हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास वीडियो, जिसका कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना वेट था कि SSC GD की रिक्रूटमेंट के लिए अपकमिंग जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली SSC ने कैलेंडर जारी कर दिया है फ्रेंड्स, जिसमें बता दिया गया है कि आपका कितना सीट रहेगा, कब वैकेंसी आ रही है। सो फ्रेंड्स, आपका ये ग्रुप सी का पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया है कि SSC GD कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। GD यानी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 50,187 सीट के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वैसे तो ऑफिशियली मतलब नोटिफिकेशन में बताया गया कि 25,000 सीट्स खाली है, बट लास्ट ईयर आपका वैकेंसी 24,000 या 25,000 बोल के आया था, बाद में वो सीट आपका 80,000 के आसपास चला गया था। तो उम्मीद यही है कि 50,000 to 60,000 के अप्रॉक्स सीट रहेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तैयारी अच्छी रखिए, क्योंकि अप्रैल 2024 में होने वाला है इलेक्शन। तो उसके बाद बहुत कम ही चांस है कि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसा जो आपका जो एग्जाम सब अभी रेगुलरली फॉर्म वगैरह आ रहा है वैसा आएगा नहीं, सीट अच्छा खासा है। तो इसी में आप कोशिश करो कि आप अपना एक पोस्ट अभी अचीव कर लो। आगे अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि आपका ये ऑनलाइन होना कब से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, तो फ्रेंड्स आपका ये फॉर्म स्टार्ट होगा 24 नवंबर से, मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, और लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 28 दिसंबर 2023 रहने वाला है। आई होप कि इम्पॉर्टेंट डेट आप समझ गए होंगे। अब बता दूं आपको कि फॉर्म की फी क्या रखी गई है। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 100 रुपीज, SC ST से कोई फी नहीं लिया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट से भी कोई फी नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 23 इयर्स एज रखा गया है। रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम का डेट है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। आपका इसका जो एग्जाम होगा, रिटन पेपर होगा, वो आपको फरवरी से मार्च 2024 में आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। फरवरी से स्टार्ट हो सकता है और हो सके तो मार्च में एंड करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सीट है तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो एग्जाम भी बहुत दिनों तक इसका चलता है। तो चलिए मैं आगे आपको बता देती हूँ इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। फ्रेंड्स सिंपली अगर आप 10th पास आउट हो ना तो आप इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हो। सिंपली कोई आपका परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने 10th पास आउट कर रखा है, आप इलिजिबल रहने वाले हो। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन पेपर होगा, देन होगा आपका फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उस फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर, किन किन मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका ये GD का रिक्रूटमेंट आएगा। पहला है आपका BSF, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स, CRPF, असम राइफल्स, ITBP, SSB, NCB, SSF एंड CISF। सबसे ज़्यादा जो सीट निकल के आती है हर बार CRPF के तरफ से आती है, उसके बाद BSF का होता है, देन आपका होता है ITBP, असम राइफल। तो ये सब में मतलब सबसे बेस्ट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो CISF का होता है, बट वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किसके अंडर जॉब करना चाहते हो। तो चलिए आगे की प्रोसेस समझ लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है सिलेक्शन प्रोसेस 4 मेजर स्टेज पे होता है, रिटन एग्जाम, फिजिकल, DV एंड मेडिकल। तो सबसे पहले मैं समझा देती हूँ आपको कि रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न है। फ्रेंड्स आपका 80 क्वेश्चन का यहाँ पे पेपर होता है 160 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेंगे। टाइम मिलता है 60 मिनट यानी कि 1 आवर का। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होता है 0.50 का।
पहले ना इसके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता था कैंडिडेट्स के लिए। बट अभी ना 0.50 का निगेटिव मार्किंग है एंड क्वेश्चन भी आपका 80 क्वेश्चन रहता है 160 मार्क्स के लिए। अब बता दूं आपको सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, जीके या सीए मतलब कि जनरल नॉलेज या करेंट अफेयर्स दोनों को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। हिंदी या इंग्लिश वो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप हिंदी चूज करते हो या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक का 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि ओवरऑल एग्जाम पैटर्न तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका पीएसटी, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट वगैरह होती है। हाइट होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल एंड अदर्स का मिनिमम 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल एंड अदर्स का 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट होता है। देन होता है चेस्ट की मेजरमेंट, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होता है, फीमेल्स के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जनरल एंड अदर्स के लिए 80-85 सेंटीमीटर मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये थोड़ा कम होता है, 76-81 सेंटीमीटर उनके लिए रखा जाता है। लास्ट आपका होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपके रनिंग की टेस्ट होती है। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट करनी होती है 24 मिनट्स में एंड फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 8.5 मिनट्स में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको फिजिकल क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। फिजिकल आप क्लियर करते हो तो आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जॉब लोकेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स जॉब लोकेशन विल बी ऑल ओवर इंडिया एज पर लोकेटेड बाय द आपको जो जिस डिपार्टमेंट में वर्क करोगे, जहाँ पे आपको अलोकेट किया जाएगा आप वहाँ से अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हो। और रही बात कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ देगा, तो चूंकि ये एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है तो आप अपने नियर बाय 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो, वहीं पे एग्जाम होगा। फिजिकल भी आपका नियर बाय में ही देता है, जहाँ भी आपका ये सब सेंटर रहता है सीआरपीएफ सीआईएसएफ वहाँ पे आपको देता है रनिंग वगैरह के लिए। सो ये भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है आपकी इनहैंड सैलरी की, कि आपको सैलरी क्या मिलने वाला है जॉब के बाद। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। सैलरी फ्रेंड्स आपका स्टार्टिंग होता है 21,700 से एंड लास्टली मिलता है आपको 69,100। इसमें आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस भी होते हैं, लीव्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे इसमें आपको फायदा रहता है। सैलरी भी पर ईयर इंक्रीमेंट होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आपको लूज नहीं करना है किसी भी हाल में। आपको ये मतलब सोच के चलना है कि एक सीट तो मुझे लेके रहना है, क्योंकि देख लो आप 50-60,000 के पास आपका ये सीट आने वाला है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ समझ लो, उसके बाद आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाओगे। प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स आपको मेल एंड फीमेल दोनों का कैटेगरी वाइज बताऊंगी, ये आपको स्टेट वाइज कट ऑफ है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों आपको बताऊंगी। जनरल कैंडिडेट्स मेल के लिए मिनिमम 76-79 कट ऑफ था, ओबीसी मेल के लिए 73-75, एससी कैंडिडेट्स मेल के लिए 66-71, एसटी के लिए 61-66, ईडब्ल्यूएस के लिए 71-74, एक्स सर्विस मैन के लिए 51-54। आइए अब फीमेल कैंडिडेट्स का देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए 66-70, ओबीसी के लिए 63-66, एससी के लिए 60-64, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 56-59, EWS के लिए 65-69 एंड एक सर्विसमैन फीमेल के लिए 44-47। सो आई होप कि आपका प्रीवियस ईयर कटअप भी क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो कोशिश ये भी करो कि प्रीवियस ईयर का जो होता है ना आपका सेट, वो जरूर आप लगाया करो। उसमें देखो आपका क्या मार्क्स आ रहा है, फिर आप एक्सपेक्टेड जो पेपर होता है ना बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको मिल जाएंगे, वहां पे भी आप सेट वगैरह लगाओ और देखो कि आपका कहां पर क्या छूट रहा है, तो उस पर आप स्पेशली वर्क किया करो।
एंड आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं एसएससी जीडी अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2023-24 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। समझने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, हेजिटेट नहीं करना है, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप साई पर्सन हो, कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम मेरा दो चैनल, एक मतलब मैं करेंट अफेयर्स वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, उसका नाम है मनीषा सिंह जॉब अपडेट्स क्विज चैनल, और एमआर सरकारी जॉब अपडेट पे आपको मिल जाएगा सारे जॉब का नोटिफिकेशन। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर दो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर पाए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी अपकमिंग वीडियोज जो होती है ना जॉब अपडेट्स की, सबसे पहले आप सभी तक मेरी वीडियो पहुंचे। और फ्रेंड्स, मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।